ये है सांची स्तूप। हम लोग आज सांची आए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पे। और यहाँ से विदिशा भी है जो 10 किलोमीटर दूरी पे है। नमामि बंदे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा टूर है, इसमें हमें भारतीय प्राचीन धर्म, संस्कृति, साहित्य सब कुछ मिलने वाला है, हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हम सांची के स्तूप में हैं जी। जो यहाँ पे एक स्तूपों के बनने का एक ग्रुप है, टोटल यहाँ पे 93 स्तूप है, जिसमें से 3 बड़े स्तूप। यहाँ स्तूप नंबर 2 और नंबर 3 जो हम ओपन करके 1851 में कनिंघम ने देख भी लिया, तो हमने पाया यहाँ से क्या पाया, अरहंत महाबुद्ध गलाइन और अरहंत सारी पुत्र, सारी पुत्र उनके धातु हमें स्तूप नंबर 3 से मिल चुके हैं। तो हमने फाइनली माना है कि स्तूप नंबर 3 में और स्तूप नंबर 2 में भी हमें धातु अवतीश कनिंघम के एक्सकेवेशन में मिले, तो महास्तूप में भी आज भी तथागत के होने का है। तो जिस स्तूप को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि सम्राट अशोक ने सांची स्तूप बनाया है, एक ठीक बात है, लेकिन जो स्तूप हमने देखा है वो नहीं, ये जो स्तूप है इसके अंदर एक और स्तूप है। हाँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब कमांड खोजना है तो कैसे, सबसे पहले तो जो हमारी धर्म और संस्कृति की जो लिटरेचर है, या अपने गुरुजन हैं आप लोग, इनसे मिलती है अपने धर्म और संस्कृति की कहानी। चल, हम किताबों में पढ़ते हैं, लोग इतिहास देते हैं, धर्म संस्कृति लिखते हैं, वो भी लोग हम किताबों में बच्चे पढ़ते हैं, फिर हम घूमने फिरने जाते हैं तो हमें उससे भी ज्ञान मिलता है, हम चित्रों में देखते हैं, हम भाषा में भी पढ़ते हैं, उससे भी हमें पता चलता है, और देश दुनिया में, क्योंकि हमारे जो सांची की अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमारी धरोहर है, तो नेशनल लेवल की तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल की जगह है। अगर हम सांची के अलावा और अगर हम भारत के बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली में भी जाने वहाँ मिलेगा, हम श्रीलंका जाके कैंडी जैसी बड़ी बड़ी जगह, अनुराधापुरा वहाँ भी जाने, हम रंगून चले जाएं वहाँ भी जाने, हम थाईलैंड चले जाएं वहाँ भी जाने, देश दुनिया से भी हमें अपना दीप मिलता है। चलो, एक और हमारी बात है कि जहाँ हमारी धरोहर है, जहाँ हमारी स्तूप है, विहार है, यहाँ हमें खुदाई करनी है, एक्सकेवेशन करना है, तो भी एक साइंटिफिक करते हैं, 10-10 मीटर के ट्रंच बनाते हैं, आधा आधा सेंटीमीटर डिग करते हैं एक एक मीटर में, और जब हम पूरा एक्सकेवेशन करते हैं तो स्केल खड़ा करके हम लेयर मार्किंग करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिली, और लैब में ले जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं। तो सांची ने हमें 1500 साल का पूरा इतिहास दिया, 300 ईसा के पहले और 1200 ईसा के बाद, मतलब हमने खोज की है तो 12वीं सदी से, 12th सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी BC तक का मिला। इतिहास नीचे से ऊपर आता है और एक्सकेवेशन हम ऊपर से नीचे करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो सांची या सद्धारा, सुनारी या अंधेर या मुरेलखुर्द, ये पूरा एक ग्रुप है हमारा, 20 किलोमीटर में 5 साइटें हैं। तो हमें ये प्रमाण नहीं मिला कि तथागत भी अपने जीवन में सांची में थे, सांची मोनेस्ट्री में नहीं थे, क्योंकि यहाँ जितना भी एंड में हमें रेड वेयर, ब्लैक वेयर पॉटरियाँ मिली वो मौर्य काल तक जाती हैं, 2 सेंचुरी पहले का नहीं मिलता है। तो अब हमने बात की लुम्बिनी का, बोधगया का, कुशीनगर का, सारनाथ का, वैशाली का, शंकरस्यार, रिसर्च भी और ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भी हमारे, साहित्य मिलता है हमारी हॉली बुक्स, उसमें लिखा है। तो 563 ईसा पूर्व एक बड़ी घटना थी, जब महाराज शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ बोधगया में, जब उनको तथागत को ज्ञान मिला, ये भी और बड़ी घटना थी, जन्म से बड़ी घटना ज्ञान की। और फिर सारनाथ में जो पंच भिक्षुओं को डियर पार्क में, जिसको हम सारंगनाथ कहते हैं, तथागत का पहला सेरेमन हुआ, और जब वो कुशीनगर में पहुंचे 483 BC में तथागत का महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अब वही कहानी लिच्छवियों में, कोलियों में, नागों में, शाकियों में, मल्लों में, कोलियों में, सब में सबकी आस्था कि भाई ये तो तथागत हमारे थे, जो जीतेगा वो लेके जाएगा इनके शरीर को। बाद में
तथा गति, जो धातु अवशेष हैं उनका, या हम तो कहते हैं कि जो भंते जी के शरीर में चीवर है ये भी तो एक मेमोरी थी, उनके हाथ में एक पात्र है वो भी तो मेमोरी थी, तो हमने उनके सामानों को लेके और हम फ्यूचर में उनको तथागत को कैसे फॉलो करेंगे, बात बोल हमें उनको अपने बीच में रहने का, उनको फॉलो करने का क्या तरीका। देखो विहार तो पहले भी बनते थे, अगर श्रावस्ती में तथागत है तो श्रावस्ती में भी विहार बना, अगर वो राजगृह में है तो राजगृह में विहार बना, विहार तो पहले बनते थे, उस समय चैत्यालय भी बनते थे। हाँ, स्तूप का जो निर्माण है, थूप कहते हैं हम पाली भाषा में, लोग थूप का अपहास स्तूप कहते हैं, तो कहते हैं कि जो तथागत के दो व्यापारी से जो रंगून चले गए थे तो उनके जीते जी केस और नेल केस धातु लेके गए, तो उन्होंने जीती जी भी उनको स्थापित किया था, और बाकी फाइनली 8 राजाओं ने तो 8 जगह उनको स्थापित किया, और बाद में सम्राट अशोक ने राम के राम छोड़ के सेबिन से जितना पाया और उस पर अशोक ने 84,000। तो चाहे स्तूप हो, चाहे विहार हो, चाहे स्तंभ हो और चाहे चैत्य, अशोक ने 4 चीज़ें बनवाई। अब विहार तो संख्या के हिसाब से बनता था कि भाई कितने भिक्खु को यहाँ बरसात के 4 महीने अगर रुकना है तो उस हिसाब से वो संख्या बनाते थे, लेकिन स्तूप एक बनाया, पिलर एक बनाया, और चैत्यालय भी लगभग एक कॉमन ग्रुप में प्रार्थना करने के लिए, तो 4 चीज़ों का निर्माण होता था, तो अशोक से वही शुरू हुआ। लेकिन बाद में एडिशन हुआ, पहली सदी से हमने एडिशन क्या पाया था, यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी और फिफ्थ सेंचुरी एडी से हमने मूर्तियों का इतिहास पाया, तो यहाँ पे 4th सदी 5th सदी में गुप्त काल में तथागत के मूर्तियाँ भी रखे गए यहाँ पे, और यहाँ पे 5th सदी से टेंपल का भी निर्माण हुआ था, है ना, नहीं तो विहार तो पहले से ही चल रहे थे। तो यहाँ इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न था, एक तो शांति, ये वेदिसागिरी विंध्याचल पर्वतमालाओं में शांति, बेतवा नदी के किनारे, विंध्य पहाड़ियों में बेतवा नदी के किनारे, व्यापारियों की नगरी विदिशा के पास, और अशोक उज्जैन में गवर्नर हुआ करते थे, और ये अवंती राज्य था, गवर्नर रहते थे तो उनका आना होता था, और जब देवी से विवाह कर लिया विदुषी से विदिशा के वैश्यनगर में तो फिर बार बार आना था, तो देवी के सजेशन में और देश दुनिया के व्यापार की वजह से अशोक ने, चाहे अपना अजंता एलोरा का रूट क्यों ना, जहाँ से व्यापार होता था उस रूट में बनाते थे, तो अशोक द्वारा देवी के सजेशन में महेंद्र शनमित्रा की शिक्षा यहाँ होने पे यहाँ से अपनी धर्म संस्कृति का प्रचार हुआ है। तो सांची तो हमारे अतीत का, हमारी शिक्षा का, और एक तीर्थ है हमारी धर्म संस्कृति का, बौद्धों का और शिक्षा का। तो फाइनली यही हमने माना कि सांची के जो स्तूप बनने में सबसे पहले अशोक ने मिट्टी और टेराकोटा ब्रिक का यूज किया, इसके बाद में हमने ये पत्थर और सुर्खी चूना का प्लास्टर लगाया, ये आउटर बोल देगा यहाँ पे 2nd century BC की, जैसे मौर्य काल में लकड़ी की थी तो लकड़ी की जगह हमने वही वेदी का स्टोन में बनाई 2nd century BC, देख रहे आप, और 1st century BC में गेट बने, देख रहे पार्ट बाई पार्ट बना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि जब हम या अशोक उस जमाने में भगवान तथागत को फॉलो करते हैं तो चेहरे से नहीं, तो फिर वो किस फॉर्म में फॉलो करते हैं, या तो स्तूप के, या बोधी ट्री के, या चक्र के, या आसन के, मतलब हर एक अलग सिंबल देखने को मिलेगा, और वो सिंबल अलग होगा जिससे तथागत के जीवन की कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भगवान के पहले उपदेश का सिंबल हम मानते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, देख रहे हैं चक्र है ना, लेकिन पांव भी है वहां, तथागत के चरण है। अब यहां से शुरू करते हैं, एक सिंगल स्टोन, एक पत्थर 2100 साल पहले ईसा से 100 साल पहले 2021 और उससे भी पहले ये चीज बन चुकी थी। कोई चीज बन जाती है बहुत सुंदर बनती है, लेकिन उसमें समय होता है, ये समय देखो 2000 साल से धूप गर्मी बरसात, क्योंकि हमारे यहाँ इस जगह में अलग अलग सीजन होते हैं, गर्मी पड़ेगी तो पूरी पड़ेगी क्योंकि कर्क रेखा, बरसात आएगी तो 4 महीना देखा चारों तरफ बाढ़ बहुत आएगी, हर चीज ये गर्मी भी होना, बरसात भी होना, ठंड भी होना, तो इसका भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये कोई कवर्ड कैंपस नहीं है, ओपन है, जितना पानी आता है पूरा बह के आता है। लेकिन आज तक देखो समय समय पे केमिकल चीज में कंजर्वेशन होना है, लेकिन नया नहीं बना सकते हम, ये चीज आज भी हमारे पास उपस्थित है ना। तो भंते जी यहाँ से हम देखें तो सबसे ऊपर सामने आइए, यहाँ से तथागत को सबसे पहले हम अम्ब्रेला से शो करेंगे। अम्ब्रेला जो है ना बीचों बीच छाता दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पे भगवान का सिर है, फिर उसकी डंडी जो नीचे आई है वो उनकी गर्दन है, और फिर त्रिरत्न एक
दो बाजू हैं, पर लोटस उनका हृदय है और नीचे उनके चरण हैं। लाठी बुद्धा सिर से लेके पांव तक। तो भगवान तथागत कहते थे कि रुकना नहीं है, लाइफ में चलते रहना है। उनकी शिक्षा का चक्र चलेगा तो समाज में परिवर्तन लाएगा धम्म चक्र। तो हमारे शरीर में चरण का काम चलना है, वो चक्र का है जिनके साथ संबंध, तो वो चलता नहीं घूमता है। तथागत कहते थे जितना पानी घूमेगा, जितना पानी फ्लो होगा उतना ही क्लीन होगा, रुका हुआ तो बदबू देता है। तो हमेशा चलते रहना है ना। तो तथागत भी चलते रहे बुद्धत्व पाने के लिए, और जब ज्ञान मिल गया तो भी चलते रहे वो समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम चरण और धम्म चक्र देख रहे हैं। एक भी डिजाइन अगर बनाने में कहीं भी मिस्टेक हो गई तो बदलना पूरा पड़ेगा, क्योंकि अलग से नहीं लगा सकते। कोई भी डिजाइन अगर आपको ऐसा लगे रिपीट हो तो बताइए, नीचे से ऊपर तक। ये उदयगिरी से सैंडस्टोन आया है और विदिशा के सुनारों ने तराशा है, क्योंकि अशोक की जो पत्नी है देवी जो है उनके यहाँ व्यापारी इसी का होता था। हाथी दंत कारीगर तो बनाए हैं, हाथी दांत का काम करने वाले देख रहे हैं जो बना हुआ है सूट बना के। ओरिजिनल हाथी दांत इनमें हुआ करते थे। बीच में तो 600 साल सांची का सूर्य अस्त हो गया था, तो इसके बाद जो है ना पूरा का पूरा इस कंडीशन में आ गया था। देख रहे हैं 12वीं सदी तक तो मेंटेन रहा, 300 ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक। कोई भी धरोहर को जब तक हम मेंटेन करेंगे, कोई भी घर को मकान को, तभी मेंटेन रहता है। 13वीं-14वीं सदी से पूरा वीरान होते होते 600 साल निकल गए। फिर आर्मी ऑफिसर कैप्टन टेलर ड्यूरिंग हंटिंग 1818 एडी में जब वो यहाँ जंगल में आए, तो इसके बाद उन्होंने समझा सांची के महत्व को। तो इनकी एक टीम वर्क थी, कोई कंजर्वेशन एक्सपर्ट है, कोई एक्सकेवेशन एक्सपर्ट है, कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है, तो इन्होंने इस पर काम किया सांची के ऊपर। तो चाहे जनता एलोरा हो चाहे खजुराहो, अपने पूरे क्षेत्र को उन्होंने बहुत अच्छे से जाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस पर समय समय पर मेंटेन होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब तो, ये है ना। अच्छा लिखा हाँ, ये के पत्थर में 2nd century BC में 3rd century BC में ये स्टाइल मौर्यन ब्राह्मी है। अच्छा। देख रहा है पाली भाषा, तो जैसे अपनी जो है ना उस जमाने की जो धम्म लिपि देख रहे हैं आप, तो ये ब्राह्मी लिपि है, पाली भाषा है। एक एक इंसान ने एक एक पत्थरों को अपने नाम से दान किया है। अच्छा। हर पत्थर में देखो बंदे जी, लास्ट में दा ना अम, दा ना अम, दा ना अम, सब में लिखना है दानम। तो ये उस जमाने का है, 2nd century BC है। अच्छा यहाँ बात कर रहे हैं, देखना छोड़ा नहीं इसको है, जितना दिन बचा रहे उतना ही अच्छा है, नहीं तो हम आगे जनरेशन बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं। हमारे लोग तो हमें दे गए। यहाँ देखो ये जो है इसमें हमें क्या दिख रहा है, फैमिली के साथ, पब्लिक के साथ, वंदना करना, प्रेयर करना, उसके साथ जीवन, सत्संग सुनने का जीवन, इकट्ठे होके सेलिब्रेट करने का। तो क्या हुआ था कि कौशल नरेश महाराज प्रसेंजित कहाँ मिलने जा रहे हैं तथागत से, जहाँ वो बरसात के 4 महीने मूल गंध कुटी कौशाम्बी कुटी करोड़ी कुटी देख रहे हैं आप, वर्षावास निकालने के लिए रुके थे। और वहाँ सारा का सारा पैसा जो है, जगह किसने खरीदी थी, शुदत है ना, वो बैठे हैं ना अनाथ पिंडक बीच में, वो नीचे उनके द्वारा राजकुमार को जेब को दी हुई मुद्राएं बिछी हुई थी कि भाई मुद्राएं तुम्हारी और जगह हमारी। मैं तो तथागत को अपने ससुराल में इनवाइट करके आया हूँ, इस बार वर्षावास उनको यही निकालना है, तो सबसे सुंदर जगह आपके पास है, वो सुंदर जगह मैं खरीदना चाहता हूँ। तो वो गाड़ियों भर के सोना लाया, मतलब उस समय मुद्राएं लेके आया, और वो सारी मुद्राएं राजकुमार को दी और उनके बदले में वो जगह ली। तो जहां बरसात के 4 महीने क्या, राजा तो फिर जाने ही नहीं दे रहा ना वहां से, 24 महीने नहीं जाने दूंगा मैं आपको यहां से वर्षावास। तो जैसे ही देखो मिरेकल ऑफ मैंगो ट्री, वो आम के वृक्ष के ऊपर छत्र है भगवान का सिंबल, राजा छत्र है ना, यहाँ आसन है जिन कुटियों में वो रहते थे। पंते जी जैसे कभी हम महाराष्ट्र में जाते हैं कन्हेरी कारला भाजा, ऐसे ही आर्चेज आपको जरूर दिखाई देंगे हमें, है ना, उन गुफाओं में, है ना। तो यहाँ क्यों नहीं हो गए, क्योंकि सातवाहन कहाँ के राजा थे, आंध्रा के, कहाँ पहुंचे वो महाराज से कहाँ आए, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उज्जैन क्षेत्र में आए, विदिशा क्षेत्र में आए, तब उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो बड़ा कॉमन दिखाई देता है वो, है ना। तो देखो राजा का महल से निकलना अम्ब्रेला के साथ, लोगों का ढोल नगाड़े बजाना, लोगों का पहली मंजिल दूसरी मंजिल से नीचे देखना, हाथ में फ्लावर्स लेके खड़े होना राजा के स्वागत के लिए, तो आर्किटेक्चर वैल्यू के हिसाब से देखो आप उस जमाने की लाइफ को देख रहे हैं हम, कि
अगर राजा है तो वो महलों से संबंध रखता है, अगर भिक्खु है तो वो मनुष्यों से संबंध रखते हैं, देख रहे आप। और परिवार के लिए है तो परिवार को ये समय देते हैं, मतलब लाइफ के हर एक पार्ट को दिखा रहे हैं। और उस जमाने में भाषा तो ऐसा है कि जो अगर हमें पढ़ने में आए तो हम समझ पाए, अगर हमने नहीं पढ़ पाए तो हमारा अधूरा है। लेकिन चित्र कैसी भाषा है जो सबको समझ में आती है, चाइनीज भी आके देख लेता है, थाई वाला भी देख लेता है। तो ये ऐसी कार्विंग का जो है 2nd century BC से ही शुरू हुआ था, भरहुत के स्तूप में कार्विंग का होना, अमरावती में कार्विंग होना, सन्नति में होना। लेकिन वंदे जी उन जगह को हम देखें तो ऐसे लगता है कि कितना अतीत गौरवशाली था, आज वहाँ कुछ नहीं बचा। भरहुत का तो हमें रिसर्च का विषय बचा है, चाहे अमरावती हो। लेकिन सांची को देख के बड़ी खुशी होती है कि सांची में बहुत कुछ बचा हुआ है। सांची स्तूप वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और बेस्ट वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ, इससे पहले का कुछ नहीं है आज इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में, बताइए आप स्टोन के अंदर बना। हम बात करते हैं कि टेराकोटा ब्रिके हैं, स्तूप है, लेकिन सांची जो पत्थर से बनी हुई वेदिका का, पत्थर से बने हुए तोरण का कहीं दूसरी जगह कुछ नहीं है जो सांची है। इसीलिए सांची 24 जनवरी 1989 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, अपनी सुंदर तोरण द्वार और संस्कृति और साहित्य का एक खजाना है। जितना खोलते जाते उतना मिलता है, कोने में बना ना वो स्पायरल रोल ओपन, तथागत की जीवन की कथा है ओपन स्पायरल जैसा। अच्छा यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ देखिए, इधर आइए। जब कपिल वस्तु विजिट हुई तो कपिल वस्तु में महारानी, महाप्रजापति, महाराज शुद्धोधन आइए, तथागत आसन ग्रहण कीजिए, स्वागत है। देख रहे, पहले तो सोचते हैं मैं क्यों हाथ जोड़ूंगा, ये तो मेरा बेटा है। लेकिन बेटा अब बुद्ध हो गया है, तो भरदेव जी कहते हैं आसमान में वो आते हैं तो यहाँ से परियां भी फूलमालाएं लेके आती हैं उनके स्वागत में। देख रहे आसन है, ये तथागत है, ये माता गौतमी है, और महाप्रजापति कहती है महाराज मेरा बेटा बुद्ध हो गया है, मेरा सिद्धार्थ, मेरा गौतम बुद्ध हो गया है। तो वो खुशी के मारे हाथ में माला लेके खड़ी है, तो पिता भी पीछे से नीचे को सिर के बेटा है लेकिन बुद्ध हो गया है, आइए तथागत हमें भी अपनी जो है ना प्रवचन दीजिए जो है ना। देख रहे हैं यहाँ तो अम्ब्रेला राजा के साथ, पंडित जी देखो ना उस जमाने में चाहे दासी हो वो चाहे रानी हो, इनमें कितनी समानता है पहनावे में, ये भी उतने ही पहन रहे, वो भी पहन रहे, ये भी कमर में, वो भी, वो भी गले में। मतलब उस समय ये था कि सबको कार्य जरूर था लेकिन स्वतंत्रता सबके लिए थी, संपन्न सब थे, कार्य है बटा हुआ था लेकिन कोई कमी नहीं होती है ना। ये देखो द्वारपाल, देखो ना फूल मालाएं लेके कितना पहन के खड़ा हुआ है, है? वो अतीत देखो अपना कितना गौरवशाली रहा, और बाद में अपन ने देखा कि जितने लोगों के पास आभूषण थे उतने तो कपड़े नहीं बचे, फिर बीच में देश काल और परिस्थिति देखो कुछ समय ऐसा भी आया। लेकिन उस जमाने में देखो जहाँ शांति थी, संपन्नता थी, जब आक्रमण होने लगे तो सारी चीजें खत्म होने लगी एक जमाने में। देखो ये मतलब पेशेंस की बात देखो आप, उस आर्टिस्ट को बनाना है, वो पगड़ी भी पहनाता है, वो धोती भी पहनाता है, आभूषण भी पहनाता, महल भी बनाता, मनुष्यियां बनाता, और गड़बड़ हो गई तो बदला नहीं जा सकता। सोचिए आप एक बार में सब करना है। देखो वैशाली में जब तथागत पहुंची तो वहां तो मंकीज उनके लिए स्वीट हनी लेके खड़े हुए, महिलाओं ने, बच्चों ने, आम्रपाली ने, कौन कौन ने फॉलो नहीं किया वहां पे, सबने फॉलो किया तथागत को। ये जो झाड़ मतलब यही है तथागत का रिप्रेजेंट, हाँ उन्हीं का प्रतीक, मैं तो उनकी परछाई मानता हूँ, जैसे स्तूप है ना बस यही है। हमने उनको चेहरे से फॉलो नहीं किया ना उस समय, क्योंकि चेहरा नहीं है उस समय, चेहरे तो बाद में बने ईसा के बाद। अच्छा, ये तो ईसवी पूर्व, ये बिफोर क्राइस्ट है ना। ओके, अभी कोई चेहरा नहीं तथागत का, सबके चेहरे तथागत का नहीं। उनका तो ये था कि अपना दीपक खुद बन जाओ, मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे हाथ पकड़ के भी लोगों को मुक्ति का मार्ग दूंगा, जो मेरे को या तो वो खुद बुद्ध बन जाए या मेरी शिक्षाओं को फॉलो करें, तो मैं तो जाऊँगा, मैं हाथ पकड़ के भी ले जाऊँगा लोगों को। तो हाँ उनका मूर्ति से पूजा और ये चीजें बिल्कुल ना है, चिन्ह बनाए फिर, तो वैशाली की घटना हो गई। वहाँ देखो ना वंदे जी स्तूप के नीचे ये सब विदेशी लोग खड़े हैं, क्यों है विदेशी, पगड़ी का, धोती का, हाथों में ज्वेलरी का, उन पे नहीं है पहनावा, वहाँ है करली हेयर, टोपी, स्कर्ट, लंबे जूते। देख रहे वंदे जी यवन ग्रीक स्तूप के सामने तो खड़े हैं सांची का, देखो वो छत्र हर्मी का है ना डॉम गेटवे, यही तो है। देख रहे यहाँ फॉलो कर रहे हैं यूनानी विदेशी लोग भी, तो वंदे जी अपने देश, हाँ बिल्कुल ग्रीक है ना, तो अपने तो कल्चर देश
कल्चर ऑफ कंट्री, देश दुनिया का कल्चर वहाँ नहीं मिलेगा, अपने यहाँ मिलेगा जहाँ नहीं करोगे वहीं। नहीं, ये तो द्वारपाल है, फूल मालाएं लेके खड़े हुए। अशोका हम दिखाएंगे ना, मंदिर जी पीछे दिखाएंगे, ये तो पिता का है उनकी, महाराष्ट्र सुधोधन का, मतलब उनकी फैमिली में देखो आप, पिता को दिखा दिया, माता को दिखा दिया, है ना। यहाँ देखो इधर उनका सिद्धार्थ का महल भी देख लो, जो गर्मी बरसात और ठंड के महल थे उनके पास। वो अपने सारथी के साथ जा रहे हैं ना, वो जो हाथ में अम्ब्रेला लिए है ना जी, चन्ना है ना पीछे, और उनका प्रिय घोड़ा कंठक, देखो महल से निकल रहा है, लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर, सामने से राजा का निकलना और पीछे महल का बनना, लोगों का नमस्कार करना। तो इसमें हम तथागत को कैसे फॉलो कर रहे हैं, तथागत को हम फॉलो कर रहे हैं उनके हाथ में जो छत्र है अम्ब्रेला से, उस अम्ब्रेला पे माला टंगी हुई है। यहाँ क्या दिख रहा है, लॉर्ड बुद्धा प्रीचिंग टू द साकिया, कपिल वस्तु में शाकियों को उपदेश दे रहे हैं। देख रहे बंदे जी, चारों तरफ लोग हाथ जोड़ के फॉलो कर रहे हैं, है ना बंदे जी। में ऐसे लगता है कि पहले भी लोगों में नेचर था, आज भी होता है। 100 में से 100 बच्चे नहीं सुनते क्लास में, थोड़े से पीछे बैठे मौका मिलता तो वो बाजू वाले से बात भी कर लेता है। इन दोनों में क्या बातें चल रही है, एक बंदा सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर बनाने में आता तो इसका शरीर उस पे रखा हुआ है पूरा, देख रहे हैं आप ऐसे सुन रहा है, लेकिन शरीर से, चेहरे से, पहनावे से कोई कमजोर नहीं है। देख रहे, जहाँ संपन्नता होगी तो वहीं तो संस्कृति होगी। तो ऐसी जगह बनती थी अपनी मुनस्सियाँ, जहाँ लोग हो, पानी हो, एकांत हो, व्यापार हो। पानी होगा जीवन होगा, एकांत होगा ध्यान साधना होगी, लोग होंगे फॉलो करेंगे। तो लोगों के बीच में भी नहीं रखते थे और लोगों से दूर भी नहीं रखते थे, क्योंकि लोगों को समझाना है और लोगों से ही मुनस्सी फॉलो होती है और लोगों को द्वारा ही ये सब कुछ पता था उसे। तो यहाँ देखो काफ़ी संपन्न लोग हैं, चाहे बैठने के कुशन हो, चाहे धोती हो, चाहे पगड़ी हो, चाहे चेहरे हो, बहुत संपन्न लोग। पति जी वो कहानी थी कि जब श्रावस्ती से तथागत माता महामाया को उपदेश देने के लिए, देख रहे वो जी कौन सा मार्ग है, सोपान मार्ग, तो सीता है वन, मदर को उपदेश देके फिर वो सीढ़ियों से वापस आए, कहाँ पे, संकीसा। तो ऊपर से देखो नीचे आ रहे हैं ये सीढ़ियाँ, ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो नीचे कहाँ आ रहा है, वो पृथ्वी पे, जहाँ बुद्ध है, आसन है, पृथ्वी नहीं दिखाई क्योंकि वो पृथ्वी पे थे, लेकिन जब वो ऊपर से वापस आए तो नीचे अलग से पृथ्वी का पत्थर लगाया। देखो आसन तो है ही, एक डबल स्टोन वहाँ दिखाया। तो ये जो है ना ऊपर से नीचे आने का रास्ता लोग स्वागत कर रहे हैं, इसको कहते हैं मिरेकल ऑफ संकाशिया। पर देखिए ये हिस्सा जब जंगल था तब टूटा है, जब मिला है तो मेंटेन है, इस तरफ सिर्फ सजावट है। पंडित जी जब वो अपने यहाँ कोई फंक्शन होता तोरण लगाते हैं, तोरण द्वार है और चारों दिशाओं में तोरण द्वार है ना। यहाँ पर मगध की राज देख लिए और आप जो बोल रहे थे, हाँ, ये सारी पुत्र और महाबुद्ध की लाइन थी, इसमें से वो बाहर रखी है बिहार में, यहाँ से निकली थी वहाँ है वो, वहाँ पे हाँ वहाँ मिली, हाँ। तो सारी पुत्र और महाबुद्ध की लाइन, उनके ढक्कन पे नाम लिखे थे पंडित जी, और वो ढक्कन संग्रहालय में, हाँ, जो ढक्कन है ना अस्थि कलश का, अस्थि मंजूषा का, वो संग्रहालय में रखा है, उस पर लिखा है महामोगलानासा, और एक में लिखा है सारिपुतासा। तो सारिपुत्र से सारिपुत्र और महामोगलानासा से महामोगलायन क्लियर हुआ। तो वो ढक्कन म्यूजियम में है, और ये धातु कहाँ रखी है, चित्यगिरी विहार नया वाला मध्य जी श्रीलंका वाले जो मैंने कहा, ये उसी की फोटो है, अभी खुद भी नवंबर में तो आपको साक्षात देखने को मिलेंगी, हम सबको देखने को मिलेंगी और अच्छे से देखने को मिलेंगी नवंबर के आखिरी संडे और सैटरडे में। पहले एक ही दिन होता था, ये यहाँ से निकली थी, यहाँ से देखो जो सिंगल अम्ब्रेला वाला है ना कनिंग, हमने 3 मीटर खुदाई की थी छत्र के नीचे और वो कलश मिल गया था, अंदर लकड़ी के बॉक्स थे, बाहर पत्थर का, और ढक्कन पे नाम लिखे थे दोनों, अरहंत सारिपुत्ता रेलिक्स अरहंत महामोगलाय, तो सारिपुतस महामोगलानस, तो पाली में जो है ना क्लियर हो गया। तो यहाँ से निकले वो वहाँ है, लंदन घूम के वापस आए, लंदन चले गए थे उस समय, तो 1851 में कनिंग मगध के राजा बिंबिसार, देख रहे अपने महल से निकली राजगृह से, वो तथागत से मिलने कहाँ पहुँचे थे, बैनू वन में, देख रहे ना बैनू वन, ये तथागत का होना, यहाँ राजा बिंबिसार का होना, देख रहे महिलाएं कितना पहनते थे उस जमाने में, सभी फॉलो कर रहे हैं, है ना। इनके बेटे अजाशत्रु
अपने जो है ना उनको तो पापी माना गया था उस समय जब उन्होंने अपने पिता को राजगृह में बंद करने का पाप किया था, क्योंकि उनको उस समय इनकी तथागत की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं था। और जब उनको ज्ञान आया तो कहते हैं पिता की वो त्याग कर चुके थे, कई बार लोगों ने लिखा है। लेकिन जब उनको ज्ञान आया तब उन्होंने कहा कि तथागत मैं तो पापी इंसान हूँ, अब आप ही हमें आगे के जीवन में जो है ना रास्ता दिखा दे, मैं तो अंधकार में हूँ। तब वो जाते हैं वो भी अजाशत्रु, कहते हैं भाई कुछ हिस्सा हमें भी तो दातू होगा, हम भी राजगृह ले जाके स्तूप बनवाएंगे। फिर मगध के राजा बिंबिसार का बैरूगढ़ की विजिट का सीन है, देख रहा है गुफा के अंदर ये जो आसन बना है वो भी आसन है, इंद्रशिला केव्स राजगीर में दिखाई गई है। तो पहले मगध राज की राजधानी राजगृह होती थी बिंबिसार अजाशत्रु। तो बंदे जी एक एक पिलर में एक एक दान करने वाले डोनर का नाम लिखा हुआ है, कैसे पढ़ते हैं जैसे हिंदी अंग्रेजी। देखो यहाँ पहला शब्द दा ना अम, दा ना अम दानम, दानम। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को दानम ही पढ़ने में आया था, दानम। तो अब तो लोग डिग्री डिप्लोमाइज कर लेते पाली भाषा में, अपने यहाँ हमारे साथ ही पुणे से डेक्कन से करते थे हमारे साथ में काम, हम लोग जब रिसर्च स्कॉलर थे बीमेड का, तो वो वहाँ भी सब्जेक्ट है। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी लोग डिग्री डिप्लोमा करते हैं, हमारे यहाँ तो उज्जैन से सागर यूनिवर्सिटी से ग्वालियर से करते हैं। तो दानम और ये मौर्य काल में ब्राह्मी के शब्द है, गुप्त काल में थोड़ा अलग लिखने लगे। हाँ, ये पाली शब्द का है वा, वा इस पे जा आधा जा, वज गु गा उ गु ता सा वज गोता से दानम, हर पत्थर में नाम के पीछे दानम जरूर आया है। देखो वज गोता से दानम, देखो हर पत्थर में बनते जी उस समय नाम है क्या वज्ञ? ये वज गोता, ये सब विदिशा के लोग थे जिन्होंने दान किया। ये बुद्धा स्टैचू, हाँ ये तथागत का जो है ना ये बात में आया अपना। जब अपने यहाँ महायान आ गया था तब उस समय हम मूर्ति पूजा करने लगे। खैर बात में बिल्कुल नहीं, चार पिलर थे बंदे जी यहाँ पे, और जो चार पिलर थे तो इसके ऊपर बराबर वो वाली छत भी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ चार पिलर के ऊपर जो है ना छत होना। तो फाइनली ये है कि हमने जब स्तूप का निर्माण करवाया था तब मूर्तियां निर्माण में नहीं थी, वो समय दूसरी सदी तीसरी सदी पांचवी सदी चौथी सदी ईसा पूर्व, ये मूर्ति ईसा के बाद आई। मथुरा स्कूल की जो शैली थी भारतीय थी, और गंधार स्कूल की बनाने की शैली यूनानी थी, फिर अमरावती और सारनाथ की मूर्तियां बनने लगी। तो सबसे पहले कनिष्क ने शुरू किया था तथागत का जो मूर्ति बनाया। तो हम तो यही मानते हैं कि जिन्होंने तथागत को देखा था भगवान को वो मूर्ति बनाए, और जिसने बनाया है उन्होंने कभी नहीं देखा। इसीलिए हम चाइना में जाएंगे और चाइना से बनी हुई मूर्ति में हमें हल्की चाइनी झलक दिखेगी, और थाईलैंड में थाई जैसी झलक दिखेगी। क्यों? इसलिए दिखेगी कि सबको अपने जैसा पसंद है। तो सबसे पहले ग्रीक यूनानी कल्चर में झलक थी भगवान की, जो हमारा गंधार स्कूल था वही तक्षला वाला पार्ट जो था है ना बामियान, बड़े बड़े शहर में देखो ना वंदे जी कितने बड़े बड़े बिल्कुल बड़े बड़ी मूर्तियां गुफाओं में बनती थी। और हमने सबसे पहले मूर्तियां पहाड़ काट के ही मोनोलिथिक एक ही पत्थर में बनाई थी। ऐसे चार पिलर भी थे और वो बराबर छत भी रखी हुई थी। देख रहे कितना सुंदर रहा होगा जब ये पूरा होगा माथे के साथ। बंदे जी ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे बड़े उससे अंदर तक से निकाला है, अगर क्षरण होता तो ये बॉडी में जो हुआ है थोड़ा थोड़ा होता, अकेला माथा कैसे होता। चलो किसी को ले जाना होता फिर आधे अधूरे ये बाजू में चौड़ी वीर खड़े हैं चवड़धारी, ये ऊपर से फूल माला लेके गंधार वाय उनके भी पैर थोड़े थोड़े, तो ये तो ऐसे लगता है कि नेचुरली जो हुआ वो हुआ। ऐसे चार पिलर में से कोई पिलर भी निकाल के ले गया होगा घर बनाने के लिए, बाकी ये सब ले जाने वाला भी एक इंसान था और एक तोड़ने वाला भी इंसान, नेचुरली कम और लोगों द्वारा ज्यादा हुआ होगा। तो ये तो देश काल और परिस्थिति है, 12वीं-13वीं सदी से तो ये ईसा के बाद में, हाँ 500, ये 1500 साल पुरानी है, 500 साल ईसा के बाद, और ये कहलाया ईसा से 300 पे। ये किसने बनाया था? हाँ ये गुप्त राजा ने बनाया था। हाँ ये कुमार गुप्त और समुद्र गुप्त के समय का है। वो जबी के गुप्त और गुप्त हो गए क्या? क्यों नहीं बनते जी, कई लोग अब हमारे यहाँ कोई शाक्य लिखता है कोई मौर्य लिखता है तो ये सब लोग कोई लोग मानते हैं, कुशवाहा लोग हैं ये मानते हैं कि भाई हम लोग जो है ना सब मौर्य और कुछ शाक वंश के, तो कुछ मौर्य वंश के अशोक के वंशज मानते हैं और कुछ शाक वंश ये शाक मुनि को मानते हैं ऐसा है।
तो ये छत जो है ना बराबर होती थी, तो कहीं ना कहीं से ये सब लिख रही है। हाँ, ये चार पिलर थे बंदे जी, फ्लैट गुप्त काल की शैली हुई। हाँ बंदे जी, चार पिलर और सपाट छत, यही शैली में गुप्त काल ने मूर्तियां रखी। तो हम चेहरे से फाइनली फॉलो करने लगे। तो जो तथागत की मुद्राएं थी वही मुद्राएं मूर्ति में आई। कभी उपदेश मुद्रा आई, कभी ध्यान मुद्रा आई, कभी भूमि स्पर्श मुद्रा आई, पद्मासन मुद्रा आई। हम लोग ये कह सकते हैं भगवान बुद्ध के अस्मि धातु आज है बद्दे जी, ये तो बिल्कुल जीवित है, क्योंकि महास्तूप से किसी भी लेख में नहीं है कि निकाला है, दो नंबर और तीन नंबर से निकाला है। तो वो मिले उनके तथागत के प्रिय शिष्यों के, और नंबर दो से मिले टेन टीचर सीनियर भंते के जो पुनर्जी में टीचिंग करते थे। इसका उत्खनन बिल्कुल अभी तक बिल्कुल, ये बाहर वाली पत्थर की लेयर से देखा है अंदर। अच्छा, तो एक और ब्रिक स्तूप जो ये क्या लिखा है। हाँ, ये भी भैया एक ही पत्थर को दान करके लगवाया है। देखो उस पर लिखा है दान सभी। अच्छा, मार्किंग करके ये रेलिंग वेदिका गिर गई थी, क्रैक जरूर हो गए लेकिन नहीं बदला, क्योंकि वैल्यू उनकी है। हाँ, उस समय के लगे होने। अब तो नया बहुत अच्छा कर देंगे लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए तो हम वर्तमान जोड़ते नहीं है ना अतीत में। जो जैसा मिला है हमें वैसे ही रखना है, जाने नहीं देना, नहीं तो नया कुछ कर देंगे तो फिर क्या वैल्यू रहेगी। जो बचा है यही तो दुनिया को मैसेज है कि भाई हम क्या थे। मंत्री जी आप देखो इस वेदिका की बनावट देखो, आप कहीं नहीं मिलने वाली किसी स्तूप में। जो सांची में जब सम्राट अशोक ने इसको लकड़ी की रेलिंग बनाई थी और लकड़ी पानी गिरने से खराब हो जाती थी, तो वही काम सेकंड सेंचुरी बीसी में अग्निमित्र वसुमित्र के समय हुआ। तो उन्होंने इस पत्थर को कैसे फिनिशिंग दिया है वो देखो, जैसे कारपेंटर लकड़ी को देता है, कैसे फिट करते हैं बगैर मसाले के, जैसे लकड़ी होल बना के लकड़ी, ये उस जमाने में हुआ है, देख रहे हैं आप, और आज तक बचा हुआ है। सुर्खी चूना गोड़े गोंद बेलफल उड़द की दाल मेथी भिंडी का इस्तेमाल करते थे बिल्कुल। और ये स्टोन का असला, हाँ ये स्टोन जो है ना इन्हीं पहाड़ियों के पीछे का है, उदयगिरी का है और यहीं पहाड़ियों की, ये क्वार्ट्जाइट है वो थोड़ा हार्ड वाला है, और ये सॉफ्ट स्टोन है सैंड स्टोन। अभी बंदे जी पुरानी चीजों की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग को करना है, और जब वो ओरिजिनल पा लेते हैं या तो संग्रहालय में पहुंचाते हैं या फिर जहां से लगने वाली होती है वहां लगा देते हैं। ये माथा मिला देख रहे, और फिर से सेट हो गया। हाँ बंदे जी के साथ जरूर। तो कुल मिला के बंदे जी ये जो विषय है वो एक रिसर्च का है, तो हमने रिसर्च में पाया भगवान के चेहरे को। तथागत कहते थे कि लोग जितनी बात करते हैं उनमें प्रश्न ज्यादा होते हैं, और जो लोग शांत रहते हैं वो उसकी आंसर की खोज में रहते हैं, देख रहे आप। तो जब उन्होंने जो देखा समाज में, जो सुना उस पे चिंतन किया उन्होंने, फिर उन्होंने जो रास्ता खोजा वो दुनिया को दिया, है ना। हम बाहर की आधुनिक चीजों की खोज करते हैं और वो अंदर की एक प्रकार की साइंस है, खोज करना है वो सब उनके मनन और चिंतन से है। हाँ अरे वो तो अगर ये क्षति नहीं हुई होती तो कोई, लेकिन अपने को तो अपनी छवि वही दिखाई देती है ना यहाँ पे। हाथ जोड़ लीजिए। वही फेरी ग्रह त्याग के समय किसको इन्फॉर्म किया था, किसको उन्होंने बोला था कि हमें आज निकलना होगा? चन्ना को बोला था, कंठक को तैयार रखना। और भंते जी कहते हैं कि उनके जो है ना पंच भिक्खु साथी भी उनके साथ जो है ना सारनाथ में उनको पहला धम्म उपदेश दिया था, वो भी उनके साथ में गए, कुछ बाद में जुड़ते गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि घर में नहीं बताया वो क्लियर स्टोरी होती है, वो कैसे होती है, मध्य वाला मिडिल वाला पैनल। हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं बंदे, तो इस पैनल जैसा वो स्क्रॉल दिखेगा। तथागत की कथाओं की एक अनंत स्टोरी है, जितना हम खोलते जाएंगे उतना ही उसमें पाएंगे, स्क्रॉल बना हुआ है। उसके आगे हाथी है बंदे जी, ऐसे सिंबल हम इनमें देखेंगे जो तथागत से ही जुड़े होंगे, अलग से कोई सिंबल नहीं होगा जो उन अपनी संस्कृति से मेल ना खाए। सिंह भी बनाए वहाँ पंख वाले, तो देख रहे हैं अपने यहाँ जब ग्रीक लोग आने लगे तो एक ग्रीक मेथोलॉजी भी आ गई, देख रहे हो ग्रिफिन।
भद्दे जी उनके आगे हम सिद्धार्थ के महल पे पहुंच गए और महल से सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े के साथ निकले हैं महल से, लेकिन चल के नहीं निकले। उनके साथी, उनका सारथी अपने राजकुमार सिद्धार्थ को कंठ पे बिठा के हाथों पे उठा के लाए उस घोड़े को। देख रहे हैं महल के सामने वाले दो घोड़े लोग कंधे पे उठाए हुए हैं। फिर उसके आगे प्री आ गया, फिर डिस्टेंस हो गया महल से, तो उसी घोड़े को आगे नीचे रख रहे हैं। फिर और आगे वाला घोड़ा खुद चल रहा है और सामने घोड़े के तथागत के दो चरण बने हुए हैं। भद्दे जी पांव दिखाई देंगे जहां वो काला सा पैनल दिखेगा, ऐसे दो चरण बने हैं और उनके सामने हाथ जोड़ के घोड़े के जस्ट से नीचे नीचे वो दोनों घोड़े के बीच में हाथ जोड़ के बैठा है उनका साल। उनके चरण बंधन, हाँ सेकंड वाला शेर के मुंह के आगे तो जो पांव है वो हाथ जोड़ के वंदना करता हुआ सारथी पैरों के नीचे से घोड़े को वापस लेके आया है। अच्छा। लेकिन उस पे अम्ब्रेला नहीं आया है। देखो जब तक जा रहे थे तो घोड़े पे अम्ब्रेला था और जब वो चरण वंदना की वो जंगल में निकल गए, पांव के नीचे से घोड़े की वापसी हो गई, वो विदाउट अम्ब्रेला आया। हाँ, ये तथागत नहीं है, वो छोड़ के नहीं, उनके साथ ही। देखो अब वो महल से लोग कंधे पे उठा के घोड़े को क्यों लाए, ये है प्रश्न वाली बात। अगर रात के 12 बजे अगर कंठक महल से निकलेंगे तो कैसी आवाज आएगी, टक 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 टक, वो रात में दौड़ जाना। और जब कंठक निकलेगा तो कौन जाएगा, राजकुमार सिद्धार्थ के अलावा तो कोई जाता ही नहीं था, वो तो प्रिय था उनका, तो उसी समय पता चल जाता उनको। राजा कहते तुरंत पीछा करके पकड़वा उनको, इसीलिए उनके साथ ही उनको कंधे पे उठा लाए घोड़े को ताकि आवाज ना हो। और फिर बीच में देखो झाड़ के आगे उन्होंने नीचे रख दिया। तो पूरी क्लियर स्टोरी इसमें दिखाई गई, सिद्धार्थ का गृह त्याग की बगैर बताए वो निकले थे, परिवार वालों को नहीं बताया उन्होंने। और हाँ ये जन्म के पहले स्वप्न में हाथी तो आया, फिर वो अभी से कर रहे हैं वहाँ पे क्लीन। माता सो रही ना, देखो वो कितना क्लियर दिखाया। तो ये जो कहानी नहीं है ये सत्य है, जो लिखा गया है उस समय। भद्दे जी आज अगर हम कुछ लिखे तो हम कुछ नया देखेंगे, हम नया लिखेंगे उसमें, लेकिन ये उस समय लिखा गया था। पत्थर का लेख है, बदले नहीं जा सकते, मिटते ना है एकदम से, पत्थर का लेख है, उस समय की घटना है और सुबह का सपना है। देखो पीकॉक बैठा है, पक्षी उड़ गए हैं, देख रहे। फिर वो माँ अपना देख रहे ससुराल छोड़ के जा रही है, सपने की चर्चा खाना फूसी में है और कंडीशन देखो प्रेग्नेंट है, उनका पेट बड़ा सा दिख रहा है। मतलब सोचिए आप भद्दे जी कि उस बनाने वाले के मन में तथागत की शिक्षाओं का, उस समय का बनाने का उसके मन में कितना होगा, वो कितना जान पाया। अगर इतना नहीं जान पाया होता तो इतना क्लियर कैसे बना पाता, वो बताने वाला कहीं ना कहीं तो कमी कर ही देता। वो खुद है इतना बड़ा तथागत का जानने वाला, उनकी जीवनी को जानने वाला, कि एक एक चीज को। वो महल बनाने वाला भी है, वो कपड़े पहनाने वाला भी है, वो एक ज्वेलर से आभूषण अच्छे से बनाना जानता है। भद्दे जी मतलब सोचेंगे हम कि वो 3D में पूरी स्टोरी दिखा रहा है कि रानी का यात्रा है, वाहनों की कतार नहीं टूटी, कहीं घोड़ा दौड़ रहा है, कहीं ऊंट दौड़ रहा है, कहीं यहाँ पे हाथी दौड़ रहे हैं, कहीं रथ दौड़ रहा है, मायके जाने वाली यात्रा। देख रहे आप एक कल्चर को भी शो किया है। देखो आप ऊपर वाला क्या, ऊपर में बोधी ट्री और नीचे फॉलो करना, देख रहे तथागत को फॉलो करने वाले जो है ना पब्लिक है वहाँ पे रूलर्स है। भद्दे जी देखो ना, जब द्वारपाल इतना पहनते थे तो रूलर्स और ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा, देख रहे थोड़े थोड़े पेट सबके बाहर निकले होते हैं, सब प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी भद्दे जी जो लाल कलर आप देख रहे हैं ना, इसको बचाने के लिए किया गया था।
अभी जो अपना हेमेटाइट पत्थर होता है ना, इससे ही बनाती थी। अच्छा, ये लाल लंबू देखो। अच्छा, ये पूरे में कलर था ताकि क्षरण ना हो। जी पूरे में था यहाँ पे, है ना, एक एक पैनल के अंदर देख रहे हैं। सत्य जी कहते हैं कि जब तथागत ध्यान करते थे तो मार द्वारा टेम्पटेशन, देख रहे उड़ने वाला घोड़ा पेगासस, देख रहे हैं आप। ऐसे हमने बताया ना कि अपने भी जितने चैत्य बनाए गए गुफाओं में ऐसे ही आर्चेस बने हैं। यस, हाँ, तो ये सब है ना, सात पैनल बने हुए थे यहाँ पे, दो टूटे हुए मिले थे। तो बंदे जी मैंने ये देखा है कि कोई भी गेट हो, एक आध दो पैनल का हिस्सा सबसे गया हुआ है, डैमेज हुआ है। बंदे जी यहाँ देखेंगे, जब तथागत पहली बार चले थे तो चरण कमल और लोटस का संबंध सिंबल ऑफ प्योरिटी, देख रहे, थोड़ा सा डैमेज रहा और ये अभी भी बचा हुआ है ना। इसको जो कमल डैमेज किया गया है, हाँ हाँ, हम ये कह सकते हैं हमारे भारतीय समाज के लोग तो विदेशी लोग नहीं, नहीं भारतीय जी ऐसा रहा, विदेशियों का कहीं ऐसा रहा। ये कनिंग हमने भी खोले थे तो अपन एक प्रकार से रिसर्च भी मान लेते हैं उनको कि भाई उनने खोले थे नंबर दो नंबर तीन, तो एक रिसर्च का विषय भी हम मानते हैं। कई बार लोग कि वो देखना चाह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ अगर कुछ किया है तो सर जॉन मार्स जितना भी नेचुरली डैमेज हुआ, लोगों द्वारा भी, मार्शल द्वारा भी जो खुदा, लेकिन बनाया पूरा मार्शल ने फादर ऑफ दी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं मानता हूँ पंडित जी बोलो कि एक तो किसी को जरूरत होती तो सारी चीज़ें तोड़ के घरों में लगा, एक उसके लिए भी होता था, एक ये भी होता था कि जब अपने मकान को वीराने में छोड़ा हो तो एक चाह रहा है कि मैं क्यों ना इसको तोड़ फोड़ करके अपने में ले लूं या कुछ निकाल लूं, मैं कब्जा कर लूं, उसको भावना है उसमें, एक वो भी थी अज्ञानता। लेकिन धरोहर का नुकसान हुआ उसमें, अपनी संस्कृति का नुकसान हुआ। 12वीं 13वीं सदी से जहाँ देखो वही हुआ, पूरा वीरान होता गया, परमार काल तक मेंटेन रहा। लेकिन बंटी जी तो अच्छा रहा, ये पूरा उसमें पड़ा रहा, नहीं तो फिर हम्पी और ये देखो कैसे बिखरा पड़ा पूरा का पूरा। तो यहाँ देखिए आप पंडित जी, इस महिला की सुंदरता को देखो आप, हेयर स्टाइल का बनाना, साड़ी का पहनना, और साड़ी आज भी अपने कल्चर में है, नववाड़ी, देख रहे कमर के पीछे धोती जी। हमारे यहाँ पंडित जी जब कभी भी टूर आते हैं नागपुर से, चंद्रापुर से, नांदेड़ से, तो अभी भी कुछ माताएं बहनें होती हैं सीनियर सिटीजन, वो तो आज भी धोती पहनती है। पैरों में आभूषण का पहनना देखो जी, मतलब इस महिला का संबंध उस समय का प्रॉस्पेरिटी और यूथ, देख रहे भंते जी, तिरभंग मुद्रा में खड़ी हुई है, हरे भरे वृक्ष में, है ना। और एक समय ये हुआ था कि तथागत का जन्म कहाँ हुआ था, साल वृक्ष के नीचे, जब माता को पेट में दर्द हो रहा था, तब उन्होंने अजंता की पेंटिंग में अपनी कहानी ऐसे झाड़ पकड़ के खड़ी हुई है, तो वहां पर भी जो है ना एक साल वृक्ष में है, और यहाँ आम के वृक्ष में है, तो ये आम्रपाली जैसे है, देख रहा है, बहुत सुंदर था। तो यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए अगले वाले गेट पे शाल सिंह जी का है, शाल पर मंदिर जी कहते हैं। उस जमाने में जो नदी कश्यप है ना, उर्वेला कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, ये बोट में बैठ के निकल रहे थे, इनकी नौका डूब रही थी, तो वो तथागत यहाँ से उठे। देखो डिबेट और सत्संग तो हमेशा होते ही था, जब ये उठे यहाँ से तथागत पानी से चलते हुए गए और डूबती हुई नौका से कश्यप को बचा के बाहर लेके आए, देन ये यहाँ आके उनको थैंक्स कह रहे हैं। और जब भगवान को तथागत को फॉलो किया तो इन्होंने अपने केस त्याग कर दिए थे और वो केस पानी में डाल दिए थे, तो इनका दूसरा भाई नीचे स्नान कर रहा था, तो वो भी अपने भाई के केस लेके आया, वो समझ गया कि तथागत के पास, तो वो तीनों भाइयों ने लगभग 1000 भिक्खु उनके साथ बने थे जो है ना, है ना। तो ये कहानी जो है ना, पानी के अंदर डक्स भी है, लोटस भी है, क्रोकोडाइल भी है, फिश भी है, मंकीज भी है, ये स्टोरी कहती है। ये महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया का है, ये देखो मगध के राजा वही अजातशत्रु बिंबिसार उनकी रॉयल प्रोसेशन दिखाए हैं। पंडित जी यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डार्विन थ्योरी से पहले की कहानी है, क्योंकि डार्विन थ्योरी तो बंदर तक, वहां तक कहानी आ गई, यहाँ कहानी देख रहे हैं हम कि सबसे पहले जल, यहाँ पे हमें एक मछली दिखाई दे रही है जी, जो सिर्फ जल में रह सकती है, आगे समय बढ़ा, ये क्रोकोडाइल है जो दोनों जगह रह सकता है, और इसका भोजन मछली भी हो सकता है, एम्फीबियन। इसके बाद हाथी आ गया जी, ना वो मछली को खाए ना मगरमच्छ को, तो लाइफ कैसे चले। तो जल में से क्या निकला, लोटस, बिल्कुल बंद, धीरे धीरे खिलने लगा, आए हुए बीजों से हजारों पौधे हो जाएंगे, एक बढ़ती हुई जीवन बेल जी। एक पक्षी आया, फिर एक आया, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग परिवार से जन्म लेते हैं, जब ये बच्चे बड़े हो गए तो साथ में दिखाए गए, और बड़े हुए तो ये फैमिली में आए,
वहां से फैमिली बड़ी तो अलग अलग टू बेबीज आए, वो जब एंड हुआ तो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल ही आया था, सिंगल ही चला गया। ये पूरी लाइफ साइकिल देखो पंडित जी, उस जमाने में कितने प्रकार के लोटस है वो तो देखो आप, 17 प्रकार के लोटस। तो हमने कहा ना कि जहां पे भी अपना अतीत होगा, अपनी धरोहर होगी, अपनी सांस्कृतिक विरासत होगी, कमल का महत्व सबसे ज्यादा है क्योंकि प्योरिटी है। अच्छा यहाँ हम देखेंगे पंडित जी, हर पत्थर में दानम लिखा है पीछे। अब गुप्त काल आ गया तो देखो शब्द कैसे बनने लगे, अब पाली भाषा की थोड़ा फर्क आ गया लिखने में, जैसे अंग्रेजी कैपिटल में लिखना और स्मॉल में लिखना, ऐसे ही गुप्त मौर्य काल में और गुप्त काल में ये दोनों में फर्क आ गया। देखो मौर्य काल के शब्द उसमें पूरा क्या लिखा हुआ, आने वाले रूलर्स, आने वाले ट्रेडर्स उनके लिए अपील, रहने वाले भिक्षुओं को दान करें अन्न दान से लेके वस्त्र दान तक, ताकि ये विहार और मुनशी चलती रहे। तो एक अपील लिखी गई थी हेल्प करने के लिए। अच्छा, तो बंते जी एक कहानी वैसी है कि जैसे आज बैंक में चले जाओ तो बैंक के रूल्स, हॉस्पिटल में चले जाओ हॉस्पिटल के रूल्स, और अगर मुनिस्ट्री में आते थे तो मुनिस्ट्री के रूल्स नहीं है, ये लोगों के लिए रूल्स हैं। अच्छा। मुनिस्ट्री के रूल्स अलग हैं, वो अशोक ने लिखवाए थे। अच्छा। वो भी हम देखेंगे, ये लोगों के लिए है कि भाई ये करना है आपको। रूल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो उसका सिस्टम होता है, दूसरा लोगों को फॉलो करने के लिए होता है। अच्छा बंदे जी यहाँ देखो इस पिलर में और इस पिलर में क्या फर्क आ गया। हाँ बंदे जी, जो पुराने लोग हैं वो सिंगल पीस कलर के साथ इरोजन हो गया नाम के साथ, क्योंकि ये लोगों द्वारा दिया हुआ है और ये मार्शल ने गवर्नमेंट ने किया है काम, तो इसमें शरण नहीं है, दानम नहीं है, है ना। जब ये पिलर टूट गए थे तो सूचियां कहाँ गई थी, बाहर निकल गई थी, दोबारा जब फिर से वही ओरिजिनल डाल दी, लेफ्ट टू राइट दानम। पंडित जी यहाँ दानम क्यों नहीं आया, क्योंकि दोबारा लगाने में दानम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लगाने में हमसे गड़बड़ हो गई क्योंकि काम करने वाला उस समय 1912 में मार्शल के समय ना पढ़ पाया, तो उसके दोबारा उल्टे हो गए, सब में दानम होता है लास्ट। ये भी इतिहास है, ये 1912 में चेंज हुआ है, तो हाँ 100 साल से जाना ये भी हो गया, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो मार्शल ने डायरेक्टर ऑफ जनरल ये साइड बहुत काम करवाया। तो कुल नीचे से आए, टिकट दिया, सीधे आए, अंदर आए, दूसरी जगह जैसा नहीं है सांची में कि इतने सारे लोगों की भीड़ हो, ये बैठा वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सनराइज में खुल जाना, सीधे सीधे अपने एक टिकट सिंपल जी लेके सीधे आए, मेडिटेशन करे चले गए, किसी को कोई लेना देने नहीं होता, सब अपने अपनी दुनिया में मस्त है सांची में बिल्कुल। और लगभग इसकी हाइट थी एक ही पीस 42 फीट हाइट, एक ही पत्थर 14-15 मीटर का सिंगल पीस का, और आज भी वो चमक, बंदे जी चमक देखो, 2300 साल का चमक आज भी बचा है। 261 ईसा पूर्व का तो मानी लो वो कलिंग युद्ध के बाद अशोक लेके आए, तो 2250 साल पहले एक ही पीस था। और ये कहाँ था ओरिजिनल लोकेटेड, ये सदन गेट की मुख्य द्वार उस जमाने का, ये मुख्य द्वार यहाँ खड़ा था। अब अशोक द्वार अपनी मुद्रा और अपने रूप देखो। अब पंडित जी जंगल हो गया बीच में, फिर जमींदार आए हैं, उसने इस पिलर को तोड़वा दिया और इसके टुकड़े, तो क्यों तोड़वा दिया, शुगर केन जूस मशीन बनाने के लिए, रोलर चलाएंगे वो गन्ने का जूस निकालेंगे, ऐसे भी लोग थे। अब देखो आप पंडित जी पिलर के ऊपर जो सह मूर्ति था अशोक चिन्ह, वो संग्रहालय पंडित जी आज भी वो चमक, ये तो ग्रेफिटी है, ये भी देखो तोड़ने की कोशिश की गई, सूखी लकड़ी अनाज डाल देते थे तो वो पानी भरते भरते सूखी हुई अनाज फूल जाता टूट जाता, देख रहे आप पंडित जी। वो चारों सिंह यहाँ पे थे अशोक के, 4 facing 4 lines मॉडियंस की पहचान, और इसमें फिट करने के लिए चूड़ियां निकाली अंदर जैसे नट बोल्ट। अच्छा, कसे थे वो चारों से, तो वो संग्रहालय में अभी। तो अशोक जहाँ जाते थे, वैशाली गया तो वैशाली में स्तूप और पिलर, सारनाथ गए तो स्तूप और पिलर, कौशाम्बी जहाँ जहाँ जाना है तो वहाँ उनको स्तूप, स्तंभ, चैथियल है और नीचे विहार, ये चार चीजें बनाते थे, तो इसी पे उनकी मुद्रा होती थी। मतलब अशोक ये शो करते थे कि जो संदेश मैं लिख रहा हूँ उसमें मेरी सिग्नेचर है। उस समय क्या होता था,
कि अशोक ने तो इस पे वार्निंग ही लिखवाई चुनार पत्थर है बंदे जी, देखो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चुनार से ले गया 750 किलोमीटर की दूरी, गंगा नदी यमुना नदी और यहाँ है बेतरवती बेतवा बोट आए, इसी से उज्जैन जाया करते थे जब वो अवंती राज में गवर्नर थे, तभी तो बिदिशा देवी से शादी किए थे महेंद्र संगमित्रा, इनसे बच्ची थी। तो ये देखो बंदे जी की अशोक द्वारा इस पे एक वार्निंग लिखी गई थी कि जो मॉन्क्स और नंस मतलब भंते और माता दोनों रहेंगे, अगर संघ में कोई भेद करेगा तो संघ से अलग कर दिया जाएगा। अब ये हो गया था ना कि तथागत ने तो कहा था कि जब आनंद ने कही भगवान माता तो खुद ही चाहती हैं कि मैं भी संघ में रहूं, लेकिन नहीं अलग से रूल्स बना दो, अशोक ने फिर अलग से रूल्स लिखे कि कोई संघ भेद ना करे नहीं तो संघ से अलग कर दिया जाएगा। आगे गुजरात पूरे में था ना बनते जी उस समय यहाँ से, और यहाँ से भरहुत होते हुए इलाहाबाद कोसाम भी होते हुए पाटलिपुत्र तक पूरी पट्टी में था ना ये, जहाँ जहाँ अशोक के रूट थे बंते जी। तो ये कहलाया अपना गुप्ता पीरियड, मतलब इतिहास का गोल्डन एरा, 240 से शुरू होता 550 तक 17 राजा हुए 17 रूलर, जैसे समुद्रगुप्त कुमारगुप्त बुद्धगुप्त श्रीगुप्त से शुरू हुआ। तो ये है वो सबसे पहले मूर्तियां रखने वाली और ये टेम्पल शुरुआत करने वाले, तो यहाँ तथागत को मूर्ति के रूप में और लोगों को प्रेयर करने के लिए खड़े होने के। कोई भी इसमें आपको ऐसी नहीं होगा कि द्वारपाल देखपाल कुछ नहीं, वेरी सिंपल कमल जरूर है, चार कोण जैसे चार आर्य सत्य और आठ आर्य अष्टांगिक मार्ग देख रहे मंदिर जी, और लोटस सिंबल ऑफ प्योरिटी जो गुप्त काल की पहचान है, 4-8-16 कोण का पिलर बना और सपाट छत पूरी फ्लैट हुई मंदिर जी। इसके बाद आया वो शिखर नॉर्थ इंडिया में नागर शैली, साउथ इंडिया में द्राविड़ियन शैली, वो शिखर बनाना डोम बनाना बाद में आया, सबसे पहले ये थे और इससे पहले गुफाएं। पंडित जी अगर हम बात करें कि पूरे भारतवर्ष में 1400 केव टेंपल है जिसमें से 1100 अगली महाराष्ट्र में है, कारला वाजा कनेरी अजंता एलोरा एलिफेंट सारे लोगों ने पहाड़ घाट की गुफाएं ही बनाई, बिल्डिंग ऐसे बनने लगी। पंडित जी पीछे देखो कैसा है, ऐसे नहीं लगता जैसे अपने भारत में भी एक विदेशी कला हो, जैसे कलोजियम है ना कैसे बनाया था चंद्रशिला दी सीढ़ी नीचे से, लेकिन उसका बाद में थोड़ा रूप बदल गया, देखो क्लीन हो गया तो इसमें फॉसिल भी दिखने लगे पत्थर के अंदर, फॉसिल नहीं है आपको इसे नहीं दिखेगा बिल्कुल, हाफ मून स्टोन चंद्रशिला, क्योंकि सूरज का नेचर गर्म है और चंद्रमा का शीतलता, और जहाँ पे हमारा चैत्य होगा तो शीतलता तो होनी, तो क्या है हाफ मून स्टोन। तो भंते जी ये देखो आप यहाँ कि स्तूप के सामने चैत्य था, यहाँ लोग ग्रुप में प्रार्थना करते थे अपने बीच में स्तूप, यहाँ पर भी एक स्तूप होता था मिट्टी का, पूरे पूरा मंडप लकड़ी का था, बाद में खत्म हो गया तो ये फिर बाद में हर्षवर्धन ने पिलर खड़ी की। पंडित जी ये देखो फाउंडेशन नहीं है इसका, नीचे की चट्टान अलग है, ये पत्थर अलग है, ये सारी पिलर ऐसे ही, ये चूना तो अपन ने नीचे से डाल दिया ना, ये खराब घोड़ा पैर हो जाए, नीचे से चौड़ाई देखते जाइए और ऊपर तक देखते जाइए कितनी कम होती है, फिर वहां बैलेंस देख रहे, तो ये नीचे से नहीं ज्वाइंट, ये सब ऐसे पत्थर रखे हुए हैं ऊपर से ज्वाइंट किया गया, देखो लेंथ देखो आप, तो यहाँ वही था, यहाँ हाँ लगभग इसकी हाइट होगी कम से कम 25 तो होगा, तो नागवंशी राजा है ना स्तूप के लेफ्ट साइड में, वही तो कहते हैं उसी पर क्या लिखा हुआ, उसी पे तो लिखा है ये जो चार दरवाजे हैं ये सातवाहन काल के हैं और ये आनंद के नाम से दान किए उन्होंने, इसी लेख से पता चला, वो बीच में उसमें भी दानम लिखा है लास्ट। तो भंते जी ये जो है ना अशोक अस्थियां लेने के लिए जा रहा है, इसीलिए पता चला कि रामग्राम स्तूप है राम आवाज, हाँ तो नागवंशी राजा देख रहा लेफ्ट साइड में नाग बना है उनके ऊपर, वो नहीं देते अशोक, नहीं दूंगा मैं, अशोक ने कहा मैं प्रार्थना करके जाता हूँ, साथ में से जो मिला है उसी को हजारों में बांटता हूँ। तीसरे में देखो भंते जी कितना लंबा फ्लूट बजा रहे हैं, माउथ हाथ में माला है, मुझे फ्लूट बजा रहे हैं, है ना,
और ये चारों की चार वही अशोक वो क्या इंडिकेट करता है फ्लोर। हाँ, ये दिखा रहे हैं कि जब अपने यहाँ कोई विशेष फंक्शन होता बड़ा दरवाजा बनाते तोरण और वहीं से अतिथि आते तो उनका स्वागत होता वहाँ पर। अच्छा। देख रहे तो जो भी लोग यहाँ आते थे उनके स्वागत के लिए फ्लूट बजा रहे मालाएं लेके खड़े। ये देखो सारंगनाथ तथागत ने पहला देखो बंदे जी उसमें भी दिया सार। हाँ सारंग मतलब हिरणनाथ मतलब देवता सारंगनाथ ही देता पहले तो सारंगनाथ आज सारनाथ ऋषि पतन। हाँ ऋषि पतन है ना बंदे जी कोई ब्रगदाव जो है ना डियर। तो आप सोचिए आप बंदे जी उस समय पार्क की स्थापना हो गई डियर के लिए कितना वो था उनने सोचा था पशु पक्षी पेड़ पौधे नाग भी नहीं होंगे तो कैसी रहेगी। तो ये वजह से सब कुछ जोड़ा बंदे जी। ये है वो पिक्चर अशोक ये वाला ये दोनों वाइफ के साथ अशोक। हाँ उसमें लिखा है ना बंदे जी कर्नाटक वाले में राजा अशोक उसी से तो पता चला यही अशोक है। अच्छा। नहीं तो हर जगह कहाँ राजा मिलता देवानाम प्रिय देसी। हाँ तो ये जो है ना अशोक उनकी दोनों पत्नी बंदे जी क्या किया था पहली पत्नी ने एक बार तो बोधी थी वो भी खत्म करवाने की कोशिश की फिर वो बिदिशा देवी से झगड़ने आ गई। अब अशोक तो फाइनली युद्ध पॉलिसी छोड़ के बुद्ध पॉलिसी उन्होंने तो कहा कि अब मेरा राजधर्म है मैं तो युद्ध ना करूँगा। बिदिशा देवी पूरे साथ में उनके बच्चे भी क्योंकि ये तो ऑलरेडी फॉलो कर दी थी। अशोक को तो पता था वो तो मंदिर जी पर कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बुद्धिज्म फॉलो किया। ऐसा हो सकता है कि अशोक को बुद्ध पता ना हो। अरे वो तो सब कुछ है। एक बात बताओ पटना से नाग उनके नाग के नीचे चक्रवर्ती सम्राट सारी मनुष्यियां चल रही सब पता था उनको लेकिन फाइनली उन्होंने युद्ध का रास्ता था वहां छोड़ दिया युद्ध तो फिर फाइनली वो यहाँ लग गए। तो उनकी पत्नी देवी तो वो तो फॉलो करती थी तो देवी उनको छोड़ नहीं रही देवी नहीं छोड़ रही उनको लेकिन त्रिसरक्षिता उनको खींच रही है। तो दोनों के झगड़े में देखो अशोक के घुटने तक अनकॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं देख रहे हैं आप। तो वो कहते ना कि दुनिया के युद्ध सुलझा सकते लोग ग्रह युद्ध नहीं सुलझा सकते जो है ना दोनों की लड़ाई देख रहे कहाँ वहाँ मुँह बना के खड़ी हुई है वो हाथ पकड़ के खींच रही है लेकिन देवी का पूरा सहयोग और उनके दोनों बच्चों का। पंडित जी लिखा है ना ये विदिशा देख रहे पहला सब वाह विदिशा मतलब विदिशा के हाथी दंत कार्यकारी का कार्विंग किया है इस लेख से पता तो चला ही है। अच्छा। ये लेख से मंदिर जी यहाँ देखो आप ये जो कटोरे में तथागत के केस धातु रखे ना एक बार तो बोछाले थे ना काट के उपाली वो दिए थे अम्ब्रेला है ना उनके केस धातु पे तो ऐसे ही तो भगवान की तथागत की यहाँ पे धातु है उस पे भी तो अम्ब्रेला है और एक नहीं तीन है। तथागत के ज्ञान का उनकी शिक्षाओं का फॉलो करने वाली हमारे संघ का तीन छत्र है तो एक तथागत के लिए तो यहाँ तथागत के वाले और वहाँ पे फिर शिक्षाएं और वहाँ संघ भी देखो ये तो ये मतलब इसमें थोड़ा वो लगता है कि लोगों ने देखो कितना जो है ना प्रति गर्मी जब होती है तो छाया पंख वाले जो एनिमल है ना ईगल जैसे दिख रहा है विंग्स दिख रहा है ना ये क्या है ग्रिफिन है ये ग्रिफिन। हाँ ग्रिफिन जो है ना वो ग्रीक मिथोलॉजी। हाँ ग्रीक मिथोलॉजी हाँ। तो सर क्या इंडिकेट करता है बंदे जी ये था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय से यूनानी एंटर किए थे तो उनके साथ काफ़ी संघ होता था कुछ आर्टिस्ट भी होते थे ये सारी चीज़ें होती थी तो ये तो पूरा का पूरा अपना अतीत शो कर रहे हैं जो समाज में चल रहा था बस वो शो कर रहे हैं कोई ग्रिफिन बता रहा है कोई ये बता रहा है तो वो सब डाल दिया उन्होंने पूरा का पूरा जो है ना जो आवरण था उस समय वो शो कर दिया। बीच में तो देखो चक्र के बाजू में पंख वाले देवता और पीछे बगैर पंख वाले इंसान वो उनके पीछे है ना मतलब तथागत का पहला उपदेश सुनने के लिए सब लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे। तीसरे में देखो भंते जी ये जो हाथी है ना ये बोधिसत्व है इनके छह दांत छह दंत जातक देख रहे बोधि ट्री को प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। भंते जी ये जो चार यक्ष है ना बोने जो भार वाहक भार उठा रहे हैं अब बंदे जी भार तो दुनिया में सभी को उठाना है लेकिन ये मैसेज देते हैं वो कैसा मैसेज देते हैं बंदे जी थोड़ा अच्छा उनके चेहरे में देखो आप क्या देख रहा है एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है लाफिंग है ना सिर पे भार हंसते हंसते उठा रहा है। अगर वही कार्य ये इंसान भी तो कर रहा है लेकिन ये चेहरे से बिल्कुल चुप फिर भी भार उठा रहा है ना तीसरा रोते हुए
चौथा क्रोध में कार्य तो करना हो, हंस के करो तुम और रो के करो तुम, काम ना फिनिश होगा, तो जब करना है क्यों ना हंस के करें, है ना। तो वेरी फेमस हैप्पी मैन देख रहे हैं यहाँ पे, जो है ना इंसान को एक मैसेज दे रहे हैं चारों के चार, है ना। हंते जी ये वो कहानी है ना हंते जी, जो 80,000 बानर के लीडर थे महाकपि, जो अजंता की गुफा में है, गंगा नदी के किनारे आम के वन में मीठे फल खाते थे, पके हुए फल गलती से उछल कूद करने पे नदी में गिर गए, राजा ब्रह्मदत्त शिकार करने गए, शिकार करते समय वो मीठा फल पा लिया। अब उन्हीं फल की तलाश में वो चले और ऊपर जंगल में, उस मैंगो पार्क में, उस वन में पहुंच गए। तो फल तो जब ही हमारे होंगे जब हम कब्जा कर लेंगे इसमें, राजा ने सोचा अभी बंदर तो है यहाँ, बंदरों को मारो। तो मरते देख बंदर, बंदर का राजा महाकपि अपने शरीर से सेतु बन गया, ब्रिज बन गया, और पैर जगह कम पड़ गई तो पैर को एक रस्सी से बैम्बू से बांध लिया, और एक एक करके सारे बानरों को बचा ले गए, सबको तो बचा लिया। लेकिन जब उनका कजिन चचेरा ब्रदर देवदत्त हाई जंप लगा के गया तो महाकपि की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो झाड़ के नीचे गिर गए। राजा ने पकड़ लिया वहां, अरे बानर राज तुम सबको तो बचा ले गए, खुद को ना बचा पाए। बोले महाराज प्रजा की रक्षा करना ही तो राजा का कर्तव्य है, जो मैंने किया आपको भी करना चाहिए। तो राजा समझ गया कोई बानर हो ही नहीं सकती, खुद बोधिसत्व थे, है ना। ये बोधित्री की प्रेयर कर रहे अध्यासना के सीन है। देखो हंते जी ये नागराज मुचलिंद है जो धूप और पानी से उनकी रक्षा करते थे तथागत की, है ना जी, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी ये गिर गया था जो, है ना। पंडित जी यहाँ साखियों को उपदेश चल रहा है तथागत का, है ना। और वहां पे जो है ना मार द्वारा टेम्पटेशन देख रहे, खड़ा है कमर पे हाथ रखा हुआ जो है, और नीचे द्वारपाल खड़े, ये भी ग्रीक जैसे ही लग रहा है, हाँ, जी, है ना। तो पंडित जी यहाँ पे बाकी तो ये है कि जैसे फैमिली लाइफ के सीन भी दिखा दिए, अपने कपल दिखाए गए फैमिली के साथ, सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट। ये भी तो गिर गया था, इतना रिस्टोर्ड है, बदला हुआ है। पंडित जी ये देखो ना, माथे पे एक सिंग वाला, एक सिंगा है ना, यूनिकॉर्न जैसे अपन ने वो ग्रिफिन देखा था, ये सिर पे एक सिंगा है ना, ये जो है ना यूनिकॉर्न ग्रिफिन वगैरह जो है ना। अच्छा पंडित जी आपको पता है फोटो कहाँ से ली? आ जाएगी, आ जाएगी, देखो गेट भी आ गए, आ गए कि नहीं ये कंप्लीट है उस समय, ये बाद में डैमेज हुआ है पूरा होने के बाद। अच्छा हाँ, क्योंकि बंदी जी